जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम माता लक्ष्मी से यही मनोकामना करते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर रहे और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर खुशियां और बरकत माता लक्ष्मी स्वयं अपने आप ही लेकर आए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की रात को आपको एक नई झाड़ू यहाँ पर रख देनी चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक जाती है और साथ ही साथ आपको आपके घर के अंदर धन के मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दीपावली पूजन के दिन झाड़ू का विशेष महत्व होता है और साथ ही साथ जो व्यक्ति झाड़ू के साथ किसी प्रकार का उपाय करता है उसके जीवन के अंदर, उसके घर परिवार के अंदर कई तरह के फायदे उसको जीवन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे ये उपाय कि दीपावली के दिन आखिरकार झाड़ू का क्या महत्व रहता है। दोस्तों, झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है जो कि आपके घर के अंदर से दरिद्रता रूपी कचरे को हटाता है और स्वच्छता करके लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, घर के अंदर सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। इसीलिए दीपावली की रात को दोस्तों झाड़ू का भी पूजन किया जाता है, झाड़ू को भी दीपावली की पूजा के अंदर शामिल किया जाता है। इसीलिए आप क्या करें, घर के वास्तु को सही करने के लिए, घर के अंदर धन का आगमन करवाने के लिए, घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश करवाने के लिए आपको एक नई झाड़ू लाकर आपको दीपावली की रात यहां रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो बात करते हैं उपाय की कि आपको कैसे उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, जैसे दीपावली की आप पूजा करने ही वाले होते हैं और दीपावली की सामग्री लाते हैं, उसी प्रकार आपको एक नई झाड़ू खरीद कर लेकर आ जानी चाहिए। अब आप क्या करें, उस नई झाड़ू को लेकर आके आपको दीपावली के दिन ही उसे आपको अपने घर के अंदर काम में लेना चाहिए। उससे पहले आपको झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आप क्या करें कि इस झाड़ू को लेकर आएं और झाड़ू को आप लक्ष्मी पूजा के दिन इसे शामिल कर लें। उसके बाद क्या करें कि कुमकुम आदि की सहायता से जब आप दीपावली का पूजन कर रहे होते हैं तब आपको इस झाड़ू के ऊपर भी एक तिलक लगाना चाहिए और उसी समय आपको एक लाल धागा भी लेकर आपको झाड़ू के ऊपर बांध देना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आपको वह मनोवांछित इच्छा को लेकर आपको उस झाड़ू को अपने हाथ के अंदर आपकी मनोवांछित इच्छा है वह बोल देना चाहिए। उसके साथ ही महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस झाड़ू के माध्यम से जैसे आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और साथ ही साथ जो दरिद्रता रूपी है हमारे घर के अंदर का वास्तु दोष, दरिद्रता है, कुछ भी है, वह चली जाए। उसके साथ ही आपको महालक्ष्मी के ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 7 बार मात्र जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद आप क्या करें, उस झाड़ू को दीपावली की रात को आपको वहीं पर ही रखना है। महालक्ष्मी जी की जैसे आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा का आपका रूम है, जहां भी आप पूजा कर रहे हैं उस झाड़ू को उस रात्रि के लिए वहीं रख दें ताकि उस झाड़ू के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करे, माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि तुरंत प्रभाव से आपके घर का जो पुराना झाड़ू होता है उस पुराने झाड़ू को आप ले लें और उस पुराने झाड़ू को तुरंत प्रभाव से अपने घर से बाहर का रास्ता दीपावली की रात को भी आप दिखा देंगे तो भी कोई अच्छी बात नहीं कि आप दीपावली की रात को भी उसे तुरंत प्रभाव से दिखा दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रात को आपको झाड़ू नहीं निकालना है। अगर आप रात को फेंकने के अंदर असमर्थ हैं तब आप इसे क्या करें कि दीपावली की रात को घर के बाहर कर दें पुराना झाड़ू और सुबह कहीं भी आपको टाइम मिलता है तब आप सुबह जाकर आपको टाइम टू टाइम उस झाड़ू को वहाँ से हटा देना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, अपने घर का जो पूजा घर है दीपावली की अगली सुबह आपको पहला काम यही करना चाहिए कि आप एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद फिर से माता लक्ष्मी से आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वह मांग लें। उसके बाद 7 बार जो आपने जो महालक्ष्मी के सामने झाड़ू रखा था उसको उस दीपक के सामने से 7 बार घुमाएं और घुमाते हुए आप अपने धन की मनोकामना, जीवन को सफल बनाने की सकारात्मकता की मनोकामना आप माता लक्ष्मी से मांग ले। और उसके बाद क्या करें कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उस झाड़ू का इस्तेमाल आपको अपने घर के लिए करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस झाड़ू को आप अपने घर तक ही सीमित रखें, रोड पर इस झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करें। आपको बस अपने घर की जो भी आप होता है दीपावली के अगले दिन से ही आपको इस झाड़ू को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह झाड़ू नहीं समझ लीजिए कि चमत्कारी चीज होती है, यह आपके घर परिवार
परिवार के अंदर सभी रोग दोषों को दूर करके आपके घर के अंदर धन आगमन का द्वार खोलती है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके घर के ऊपर बनी रहती है और आप अपने जीवन भर कभी भी धन के मामलों के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों यह है झाड़ू का दिव्य चमत्कारी उपाय। अगर आप भी दीपावली की रात को इसे कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और किसी न किसी रूप से आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता रहेगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि महालक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय महालक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।